हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में वेडिंग गेस्ट लुक बुक। अगर आप दूल्हे की बहन हो या दुल्हन की बहन हो या दूल्हे की भाभी हो या रिलेटिव हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज मैं जो भी दिखाने वाली हूँ आप लोगों को वो सारे प्रोडक्ट्स अमेज़न से है और मैंने अभी तक सारी हॉल नहीं किया था, तो मैंने इस बार सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर भी करती हूँ और कुछ नए नए कलेक्शन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मैं किस तरह से इसको भी स्टाइल कर रही हूँ वो भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट जो साड़ी मैंने लिया है वो है एक सिल्क साड़ी जो कि है ब्लू एंड रेड कलर कॉम्बिनेशन में, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा कलर है। वेडिंग सीजन के लिए ये एकदम ही परफेक्ट कलर है। मैंने इसको एक दूसरे ब्लाउज के साथ पहना है जैसे कि आप देख सकते हो। साड़ी बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन में है रेड एंड ब्लू, और इसके जो प्लीट्स है ना उसमें गोल्डन कलर के एम्ब्रॉयडरीज के डिजाइन दिए गए हैं जो कि बहुत ही अच्छा फिनिशिंग दिया गया है साड़ी में, और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है एंड डिसेंट लग रहा है। जो मैंने ब्लाउज पहना है वो है एक डिजाइनर ब्लाउज, और जैसे कि आप देख सकते हो मेरी साड़ी के साथ में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन कर रहा है ये जो ब्लाउज है। आप देख सकते हो कि इसकी स्लीव्स में भी गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी की डिटेलिंग दी गई है जैसे कि मेरे साड़ी के साथ बहुत ही अच्छे से मैच कर रहा है। अगर आप इस तरह की साड़ी परचेस कर रहे हो तो मैं इस ब्लाउज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी ताकि आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ जो ब्लाउज रिसीव होता है वो है सेम ब्लू एंड रेड कॉम्बिनेशन में, बट मैंने अभी तक स्टिच नहीं किया है इसलिए मैंने इस ब्लाउज को इस साड़ी के साथ स्टाइल किया है। साड़ी का फैब्रिक भी बहुत ही सॉफ्ट है और इसमें प्लीट्स बहुत ही अच्छे से बनते हैं। मैंने इसे पेयर किया है गोल्ड स्टेटमेंट ज्वेलरी के साथ में, एंड दैट वे इज सो ब्यूटीफुल फॉर एनी वेडिंग फंक्शन। ब्लाउज का जो नेक दिया गया है बोट नेक है, प्यारा सा डिजाइन दिया गया है जैसे कि आप मेरे वीडियो में देख सकते हो, एंड कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा है। वेडिंग सीजन के लिए तो ये एकदम ही परफेक्ट है। आप इस तरह से आप जरूर स्टाइल करना और मुझे जरूर बताना कमेंट में कि आपको इस तरह का स्टाइल कैसे लगा। अगला है ये ब्यूटीफुल एंड स्टनिंग ग्रीन एंड मल्टी कलर फ्लोरल प्रिंटेड ऑर्गेंजा साड़ी। आजकल इस तरह की साड़ी बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है, एंड इसके साथ भी मैंने एक सीक्वेंस ब्लाउज को स्टाइल किया है। ये भी एक डिजाइनर ब्लाउज है जो कि इस साड़ी के साथ बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन लग रहा है। एंड जैसे कि मैंने बताया, अगर आप दूल्हे की बहन हो या साली हो तो आप इस तरह की साड़ी को जरूर ट्राई करना क्योंकि बहुत ही प्यारा लगता है। एंड इसका जो फैब्रिक है वो है आर्ट सिल्क है, एंड साड़ी के साइड में आपको स्कैलप बॉर्डर दिया गया है, एंड इसी से मैच करते हुए मैंने अपना ब्लाउज भी पहना है। कितना प्यारा लग रहा है ना, एंड पूरी ग्रीन साड़ी पे आपको फ्लोरल प्रिंट का डिजाइन दिया गया है, एंड इसका जो प्रिंट्स है ना ये बहुत ही अच्छे से दिया गया है, लाइक एक 3D इफेक्ट जैसे आ रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि इस तरह के साड़ी पे आपको प्लीट्स बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो नहीं, आप देख सकते हो कि मेरे भी प्लीट्स अच्छे से बने हैं। आप चाहो तो हेयर स्ट्रेटनर के हेल्प से भी अच्छे से प्लीट्स बना सकते हो। इसके साथ प्लेन ग्रीन कलर का आर्ट सिल्क का ब्लाउज रिसीव होता है, बट मुझे वेडिंग फंक्शन के लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने इसे डिजाइनर ब्लाउज के साथ स्टाइल किया है। एंड मैंने इसके साथ पेयर किया है एक पर्ल का इयर रिंग जो इसके साथ बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन लग रहा है, एंड इसका जो प्राइस मैंने पे किया है 949, विच इज वेरी अफोर्डेबल फॉर एनी वेडिंग फंक्शन। सो नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है पिंक फ्लोरल प्रिंटेड जॉर्जेट ट्रफल साड़ी। इतनी प्यारे प्राइस में आपको इतनी प्यारे साड़ी मिलती है ना, मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ कि इतने कम प्राइस में इतनी प्यारी साड़ी मिल रही है। एक्चुअली जब मैंने कैटलॉग में इसे देखा ना तो मुझे एग्जैक्टली ऐसा नहीं लगा कि ये सेम आएगा, बट इट्स सो ब्यूटीफुल। इसके साथ जो मुझे ब्लाउज रिसीव हुआ ना वो मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आया इसीलिए इसके साथ मैंने डीप नेक सिल्क स्लीवलेस रेडीमेड ब्लाउज को स्टाइल किया है, एंड आई जस्ट लव दिस लुक सो मच। पूरे साड़ी पे आपको इस तरह के रफल के डिजाइन मिलते हैं, प्लीट्स में भी आपको इतने प्यारे रफल मिल रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है कि आपने एक स्कर्ट पहना है, इतना प्यारा लग रहा है, और प्लीट्स भी बहुत ही प्यारे से बन रहे हैं, एंड इसका जो फैब्रिक है वो है जॉर्जेट।
इस तरह की साड़ी को आप गिफ्ट भी कर सकते हो किसी को या खुद भी पहन सकते हो एनी फंक्शन में, बहुत ही प्यारा लगने वाला है। मैंने इसके साथ पहना है एक ऑक्सीडाइज सिल्वर प्लेटेड ज्वेलरी सेट। अगर आपको ज्यादा वर्क और हेवी वाली साड़ी नहीं पसंद तो दिस इज सच अ ग्रेट ऑप्शन एंड फॉर द प्राइस इज जस्ट 799। नेक्स्ट जो मैंने लिया है ब्यूटीफुल ब्राउन कलर प्लेटेड डिजाइनर साड़ी ऑन जॉर्जेट फैब्रिक। अगर इस तरह की साड़ी को आप नाइट वेडिंग फंक्शन में पहनने की सोच रहे हो ना तो मैं जरूर आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगी। इसके साथ में भी एक ब्राउन कलर का अनस्टिच ब्लाउज रिसीव हुआ था मुझे, बट मैंने इसे स्टाइल किया है एक सीक्वेंस ब्लाउज के साथ में एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड इंडिया। अगर ये ब्लाउज आप लोगों को पसंद आया है तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप चेकआउट कर लेना। लुक के लिए मैं एक टिप देना चाहूंगी, अगर आपका ब्लाउज इस तरह का बोट नेक है अगर और हाई नेक है तो आप एक लॉन्ग चेन पहन सकते हो या इस तरह का चोकर पहनोगे तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। एंड मैंने इस लुक के साथ पेयर किया है ऑक्सीडाइज गोल्ड प्लेटेड रेड एंड ग्रीन कुंदन स्टडेड ज्वेलरी सेट एंड आप बिलीव नहीं करोगे इसका भी प्राइस जस्ट मैंने 799 पे किया है। सो डेफिनेटली इसे आप जरूर चेकआउट करना। लास्ट साड़ी इज एब्सोल्युटली स्टनिंग मल्टी कलर फ्लोरल प्रिंटेड ऑर्गेंजा साड़ी। ये बहुत ही प्यारा ब्लू कलर में आपको प्रिंट्स दिए गए हैं फ्लोरल के पूरे साड़ी पे, जैसे कि आप देख सकते हो। साड़ी के साइड पे आपको गोल्डन कलर के बॉर्डर्स दिए गए हैं, पूरे साड़ी पे आपको फ्लोरल प्रिंट का डिजाइन दिया गया है। आजकल इस तरह के ऑर्गेंजा साड़ी बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है एंड इसके साथ भी सेम मैंने रेड एंड गोल्डन कलर के डिजाइन ब्लाउज को स्टाइल किया है। ऑल ओवर लुक मेरा एक गोल्डन गोल्डन जैसे लग रहा है तो इसीलिए इसके साथ मैंने एक गोल्डन कलर का पेंडेंट पहना है एंड ईयर्स में मैंने हैवी स्टेटमेंट ज्वेलरी पहना है। फेस्टिव एंड वेडिंग सीजन के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप जरूर ट्राई करना एंड द प्राइस इज जस्ट 829। अगर आप इस बार कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हो तो दिस इज फॉर द बेस्ट ऑप्शन। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप चेकआउट जरूर करना। आज का वेडिंग गेस्ट लुकबुक आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मेरे न्यू वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो आज का हॉल आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताना एंड अपने फैमिली और फ्रेंड्स से भी शेयर करा ताकि उन लोग के लिए भी ये हेल्पफुल रहे। सो टेक केयर, बाय बाय एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।